ये है गौतम बुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस। तो चलते हैं सामने, दिखाते हैं आपको। ये यहाँ तो स्टार्ट हो चुका है सिग्नेचर ब्रिज दोस्तों, देख सकते हैं इसके रैंप बनाने का काम चल रहा है अभी इस टाइम पे। चलते हैं और ऊपर तक लेकर चलते हैं आप सभी को। तो देख सकते हैं ये ट्रक्स ये खड़े हुए हैं, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस टाइम पे। ये देख सकते हो इसके रैंप बनाने का काम चल रहा है। ये देख सकते हो ये जेसीबी मशीन आप लोगों को दिखाई देगी, ये देख सकते हो ये चल रहा है काम। और ये आपको बता दो ये रैंप बनाने का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, बस इस पर अब ब्लैक टॉप करना है, बाकी रह गया है। और ऊपर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं चल के ऊपर क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वो सब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। पूरा ही आप लोगों को दिखाते थे चल के ऊपर चढ़ के, ये देख सकते हैं। और पास से आपको दिखाएंगे क्लियर करके। तो इसके जो साइड वॉल है वो लगाए जा रहे हैं, देख सकते हो ये टीम लगी हुई है दोस्तों दोनों साइडों में। तो इस पर आपको बता दूँ ये इसकी डोरी बजरी की लेयर डाली जा रही है इस टाइम पर। यहाँ पर कर देते हैं अपनी गाड़ी खड़ी, देखो कुछ ऐसा बनाया है इन्होंने, ये रैंप तो बन के कम्प्लीट सही हो चुका है। और इधर देख सकते हैं वहाँ पर टीम लगी हुई है तो इसी काम को कर रही है। देखो ये इसके ये है साइड वॉल ये रखे हुए हैं। और चलते हैं वहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं चल के, उसको मिट्टी को लेवल में भी किया जा रहा है, देख सकते हो ये मशीनें खड़ी हुई हैं, ये रोड रोलर है। तो अभी इस पर ये कंक्रीट की लेयर डाली जाएगी, अभी नहीं डाली गई है। तो अभी ये साइडों में पैरापिट वॉल लगाए जा रहे हैं दोस्तों। तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं चल के आगे के क्या कुछ वर्क चल रहा है इस पर इस टाइम पे। तो दोनों ही चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। और ये यहाँ पर है ये परथला चौक, इसे परथला चौक बोला जा रहा है। और ये सिग्नेचर ब्रिज है, एक तो दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज और एक यहाँ पर नोएडा ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है, तो उसी का इस पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। और इसमें आपको बता दूं जो सेफ्टी केबल के मदद से ये जोड़ा जा रहा है, तो वहीं पर आप लोगों को लेके चल रहे हैं और आप लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं चल के दोस्तों। तो कुछ ये सीन है यहाँ का, देख सकते हो तस्वीरें। और इधर ये सारे सेक्टर्स हैं और इधर यहाँ से ये ग्रेटर नोएडा स्टार्ट हो जाता है, इस साइड से ये सारा ग्रेटर नोएडा है। और इधर का ये नोएडा है, ये वाला ये सारे में नोएडा है, ये पूरा नोएडा है, देख सकते हो तस्वीरें। तो कुछ यही कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पास से दिखाते हैं और फिर पता चलेगा आप सभी को। तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। देखो कुछ ये यहाँ पर बनाया जा रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है इस पर कंस्ट्रक्शन वर्क। तो इस पर अभी मिट्टी डालने का काम चल रहा है इस टाइम पे, कुछ ऐसा बनाया जा रहा है ये सिग्नेचर ब्रिज। यहाँ पर ये मिट्टी पड़ी हुई है, हैं तो ये यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, देखो कुछ ऐसा जोड़ा जा रहा है ये है। और ये बनाया जा रहा है सिग्नेचर ब्रिज, ये देख सकते हो कुछ ऐसा वर्क चल रहा है यहाँ पर। तो ये है सिग्नेचर ब्रिज परथला चौक का दोस्तों, देखो अभी यहाँ पर भी जोड़ा जाएगा इस तरीके से और इधर भी बनाया जाएगा। और ये पूरे में है परथला चौक, ये देख सकते हो तस्वीरें, ठीक है दोस्तों। तो बस यही नज़ारा, और अभी तो वो केबल जोड़ने का काम चल रहा है, ऊपर भी जोड़ी जाएगी और इधर भी जोड़ा जाएगा तो ये बन जाएगा। हाँ हाँ ठीक, ये देखो ये मिट्टी अभी इस पर इकट्ठे कर रहे हैं और इस पर डाला जाएगा। हाँ हाँ चल रहे हैं चल रहे हैं, देखो ये यहाँ ना इन्होंने लगा दिया फिर इस पर वो डाल दिया जाएगा, तो ऐसे ही वर्क चल रहा है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और ये चला जाता है ग्रेटर नोएडा के लिए इस साइड में, ठीक है। ये रोड चल रही है यहाँ पर, देखो कुछ ये सीन है यहाँ का। आप लेबर का काम करते हो आप? अच्छा, तो
तो ये चल रहा है यहाँ पर सिग्नेचर ब्रिज का, और देख सकते हैं इस पर ब्लैक टू भी है, क्या नाम है, इस पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है। देख सकते हो वो टीम लगी हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्रेन मशीन रखी हुई है जो उसके ऊपर को ला रही है और फिर इसको जोड़ा जा रहा है। तो ये सारा लोहे का ही है और लोहे का जोड़ के फिर इसमें वो स्क्रू डाल दिए जाते हैं। कुछ ये काम चल रहा है, चलते हैं दूसरी साइड में और दूसरी साइड का आप लोगों को दिखाते हैं चल के। तो ये सीन है यहाँ का, अब चलते हैं आगे। तो इस पर पैराफिट वॉल अभी लगाए जाएंगे और इस पर ये मिट्टी डालने के बाद में फिर इस पर कंक्रीट की लेयर भी डाली जाएगी अभी। तो बस यही सीन है दोस्तों, देख सकते हो आप सामने से देख सकते हो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये नोएडा का सिग्नेचर ब्रिज परथला चौक पर दोस्तों, देखो इसका दूसरी साइड का रैंप बना लिया जा चुका है और जो ये देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये लगाए जा रहे हैं। एक एक पार्ट को ये लगाया जाता है, जोड़ा जाता है दोस्तों, कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे, ये देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से ये बनाया जा रहा है परथला चौक पर, ये सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों, ये देख सकते हो। और ये पहले ये गोल चक्कर था परथला चौक, फिर इस पे आपको बता दूं कि पीक हावर में इस पे 1 से 1.5 लाख गाड़ियां गुजरती हैं और 24 घंटे की बात करूं दोस्तों तो इधर कम से कम 2 से 2.5 लाख गाड़ियां गुजरती हैं पर डे। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए नोएडा अथॉरिटी ने ये ब्रिज बनवाने का सोचा गाइस। तो इधर का ये रैंप बिल्कुल बन के कम्प्लीट हो चुका है, तो आपको दिखाते हैं चल के ऊपर से और फिर आप लोग बताना मुझे। तो चलते हैं और दिखाते हैं चल के ऊपर से। देखो दोस्तों कुछ ऐसा बनाया जा रहा है ये सिग्नेचर ब्रिज, और इधर दूसरी साइड का जो रैंप है आपको बता दिए 4 मूर्ति की साइड में, यानी कि ये गौर मॉल की साइड में, देखो वो उधर गौर मॉल चमक रहा है। और यहाँ से करीब करीब यहाँ से 1.5 किलोमीटर का फासला है जो आगे 4 मूर्ति गोल चक्कर आ जाएगा दोस्तों, उसे किसान चौक भी बोलते हैं और गौर चौक भी बोलते हैं। तो कुछ ये सीन है यहाँ का और देख सकते हो यहाँ पर ये सारे में ब्लैक टॉप कर दिया और ये पहले ही बना के कम्प्लीट कर लिया जा चुका था। इस पर देख सकते हो दोस्तों कुछ ऐसा बनाया जा रहा है ये परथला चौक का सिग्नेचर ब्रिज परथला चौक पर। ये बीच में भी देख सकते हो ये इन्होंने ये नाली टाइप का बना दिया है दोनों साइड में, ये देखो कुछ ऐसा बनाया है इन्होंने ये, और ये पैराफिट वॉल बना के और इस पर ब्लैक टॉप भी कर दिया है। तो सारे में ही बन के कम्प्लीट हो चुका है वैसे तो, बस इसमें यहाँ पे एक सेफ्टी केबल बचा हुआ है वो भी अब जल्दी लगा दिया जाएगा दोस्तों। ये सेक्टर 86 है, 186 87, तो यही है। और चलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं चल के वहीं से, तो ज़्यादा समझ में आएगा आप सभी को दोस्तों। बस हम पहुंचने ही वाले हैं सिग्नेचर ब्रिज पे दोस्तों, तो दिखाते हैं चल के आप ही पास से आप सभी को। और इस पर हाई एक्सटेंशन देखो वायर जा रही है, ये हाई एक्सटेंशन लाइन है दोस्तों, क्योंकि इसको शिफ्ट किया गया है इस साइड में, क्योंकि पहले ये बीच में था तो इसको शिफ्ट कर लिया गया है साइडों में। तो देखो आप पहुँचने ही वाले हैं और आपको दिखाते हैं सिग्नेचर ब्रिज के नज़ारे, क्योंकि इसमें बस लास्ट जो सेफ्टी केबल है वो बचा हुआ है डालने के लिए, और इसमें 7 सेफ्टी वायर हैं 7। तो आप लोगों को इधर से भी नज़ारे दिखाई देते हैं कि कैसा है ये सिग्नेचर ब्रिज दोस्तों, कुछ ऐसा है ये, देख सकते हो तस्वीरें। यह है सिग्नेचर ब्रिज, अभी इसमें बता रहा है लड़का मार्च अप्रैल मतलब 2 महीने इस पर कंस्ट्रक्शन वर्क चलेगा और अप्रैल मई में जाके ये बन के कम्प्लीट हो जाएगा, आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा दोस्तों। तो कुछ ये सीन है यहाँ का, देख सकते हो सिग्नेचर ब्रिज का जो बनाया जा रहा है तेज़ी के साथ में दोस्तों, और जल्दी ही बन के ये कम्प्लीट हो जाएगा। बस इसके अब ये 2 पार्ट बचे हुए हैं और इस पर देख सकते हो इसमें इन्होंने फ्लोर भी कर दिया है, फ्लोरिंग का काम भी साथ साथ में करते चले जा रहे हैं ये। बस ये 2 फ्लोर बचे हुए हैं, इनको भी जोड़ दिया जाएगा, मतलब कि 3 बचे हुए हैं, 1 2 3।
देख सकते जो छेद चमक रहे हैं इधर इस साइड में, देखो ये जो छेद चमक रहे हैं ना, इसमें तीन बस ये लेयर डाली जानी है और फिर ये बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो कुछ ऐसा बना रहे हैं ये सिग्नेचर ब्रिज दोस्तों परथला चौक का, देख सकते हो ये उठा उठा कर ना इस पर ही डाल दिए जाएंगे। तो ये देख सकते हो ये पहले ही इन्होंने बना लिए हैं, जो इसके फ्लोरिंग का काम है ना वो पहले ही इन्होंने पार्ट द्वारा बना लिया जा चुका है। ये देखो ये तो साइडों का है दोस्तों, ये साइडों में लगाए जाएंगे। तो बस यही नज़ारे हैं, देख सकते हो टीम लगी हुई है, वो नोएडा अथॉरिटी की टीम लगी हुई है। और देखो सेफ्टी वायर जो अंदर जाते हैं, जो केबल होते हैं तार, उसके थ्रू बनाया जाता है। ये तो पाइप हैं बाहर से, फिर उसमें जो अंदर सरिया होता है ना वो बहुत मजबूत होता है, उसके थ्रू ये डाला जाता है दोस्तों। तो बस यही सीन है यहाँ का, देख सकते हो कुछ यही नज़ारा है सिग्नेचर ब्रिज परथला नोएडा ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश इंडिया। तो आप बताना कि ये ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत के चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करो दोस्तों, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों। और आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों, केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।